ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के लेक्चर में हमें डायोड बेस्ड प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायोड बेस्ड सर्किट प्रॉब्लम की शुरुआत कर दी थी। और वहां पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम डायोड की टेस्टिंग करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि डायोड ऑन है या ऑफ है। अकॉर्डिंग टू ऑन ऑफ ऑफ डायोड हम उस डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, मींस उस डायोड को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करते थे। उसके लिए मैंने आपको ये टेबल बनवाया था और उसमें बताया था कि जब डायोड आइडियल होगा या प्रैक्टिकल होगा और ऑन होगा या ऑफ होगा तो किस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस होगा। आइडियल डायोड जब ऑन था तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हुआ था, ऑफ था तो ओपन सर्किट से रिप्लेस था। प्रैक्टिकल डायोड के केस में जब डायोड ऑन था तो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हुआ था, और जब रिवर्स बायस था या फिर ऑफ था तो वो ओपन सर्किट से रिप्लेस था। बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि डायोड का जो ऑफ वाला केस है वो दो सिचुएशन में हो सकता है। पहला सिचुएशन या तो वो रिवर्स बायस में हो, रिवर्स बायस इन द सेंस उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो वो निगेटिव हो। आई बात समझ में? मींस VA माइनस VK की वैल्यू, भाई ये एनोड का वोल्टेज था और ये कैथोड का वोल्टेज था, तो इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। और दूसरा आपका कंडीशन फॉरवर्ड में हो सकता है जब कट इन वोल्टेज से उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। भाई आप अगर प्रैक्टिकल डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक बनाओ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए, तो आप देखो ये वाला जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायस है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो वोल्टेज है इस रीजन में VA माइनस VK की वैल्यू क्या है बच्चों? ग्रेटर देन जीरो है। मींस डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस में है। बट अगर डायोड के क्रॉस वोल्टेज या VA माइनस VK के की वैल्यू उस डायोड के कटिंग वोल्टेज से कम है तो डायोड ऑन नहीं है, उसमें करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो इस सिचुएशन में डायोड क्या है बच्चों? ऑफ है। और ये वाला पूरा रीजन क्या है? रिवर्स बायस है, तो यहां भी डायोड क्या है? ऑफ है। मैं आपको टेबल में ले चलता हूं। यहां हम लोगों ने देखा था टेबल, ये तो यहां आप देख रहे हो ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में डायोड क्या है? ऑफ है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, आप ये इस पोर्शन को देखो, नेगेटिव वाले पोर्शन को, यहाँ तो डायोड क्या है? रिवर्स बायस में है, और इधर डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद भी डायोड ऑफ है। क्यों? क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कटिंग वोल्टेज से क्या कम है। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि ऐसा नहीं कि डायोड ऑफ है तो वो रिवर्स बायस में है। डायोड ऑफ है तो रिवर्स बायस में वो तो होगा ही होगा, एक सिचुएशन होगा ऐसा। दूसरा सिचुएशन होगा कि फॉरवर्ड बायस में कटिंग वोल्टेज से अगर कम होगा तब भी डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। तो डायोड ऑफ मींस ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आप रिवर्स बायस है, वो फॉरवर्ड में भी हो सकता है लेकिन फिर भी ऑफ है, क्योंकि उसकी उस डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कटिंग वोल्टेज से क्या है? कम है। आई बात समझ में? तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व करते हैं, सीखते हैं हमें कैसे उनको करना है। हालांकि लास्ट टाइम हम लोगों ने किया, बट यहाँ कुछ नए प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, इसमें डायोड कनेक्ट है। अब हमें V नॉट की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या तरीका होता था? सबसे पहले तो हमें डायोड की टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें डायोड के अक्रॉस वोल्टेज या एनोड और कैथोड का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस 1K 1K के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसे हम इग्नोर करें
तो यहाँ का वोल्टेज बच्चों क्या होगा, आप जरा करते हैं पॉइंट मेथड से, यहाँ पे क्या होता है 0 वोल्ट, इसको हम लोअर टर्मिनल को 0 वोल्ट असाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10 वोल्ट, चूंकि यहाँ ड्रॉप 0 है इसलिए यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा 10, और इसमें ड्रॉप क्या है 0 है, तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा 10 वोल्ट। और ये टर्मिनल बच्चों इस डायोड का एनोड वाला टर्मिनल है, इसलिए डायोड के एनोड टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ 0 है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, तो ये कैथोड टर्मिनल है, तो इसका वोल्टेज हो गया 0। अब आप VA माइनस VK की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा 10। और ये जो 10 वोल्ट है या VA माइनस VK की वैल्यू है, इसको हम कंपेयर कराएंगे 0 वोल्ट से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है डायोड को आइडियल एज्यूम करना है, तो चूंकि ये 10 वोल्ट ग्रेटर देन क्या है 0 है, और अगर ऐसा है तो डायोड क्या है ऑन है। तो बच्चों जब डायोड आइडियल केस, डायोड अगर आइडियल है और ऑन के केस में है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है। तो जब आप इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ डायोड, इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ आइडियल डायोड, तो सर्किट ऐसे बनेगा, ये 1K, ये 1K है, ये भी 1K है, और आप इस डायोड को क्या कर दो शॉर्ट कर दो ऐसे। ओके, और ये है 10 वोल्ट, ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे V0 था। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि V0 की वैल्यू फाइंड आउट, तो आप देखिए आपके सामने एक बेसिक सर्किट आ गया, बेसिक डीसी सर्किट आ गया, और इस तरह के सर्किट में आपको इस वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, इधर का जो सर्किट है वो ओपन है, तो अगर ये ओपन सर्किट है इट मीन्स 1K और 1K ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, और इन दोनों सीरीज दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन पे टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, R1 R2 दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है और उनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज हमें गिवन है V, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिटरमाइन करना है, सपोज R1 का वोल्टेज V1 और R2 का वोल्टेज V2 है, तो V1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय दोनों का सम, रेजिस्टेंस दोनों दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज, और ऐसे ही हम V2 कैलकुलेट करते थे, V2 चूंकि R2 का है इसलिए R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू V। आई बात समझ में? और अगर R1 की वैल्यू R2 के इक्वल है तो V1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों V/2, और यही V2 की वैल्यू आएगी। आप R1 R2 को इक्वल रख के देख लो, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू सेम आएगी, और उसकी वैल्यू टोटल वोल्टेज की हाफ आएगी V/2। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी है, आप यहाँ पे देखो 1K 1K सीरीज में है, टोटल वोल्टेज बच्चों 10 है, तो ये जो 10 वोल्ट है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस में। तो अगर मैं पूछूं 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो 10/2 5 वोल्ट होगी, और ध्यान से देखो जो V0 है बच्चों वो 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है, यानी कि V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 वोल्ट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया इस प्रॉब्लम का। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ मैंने दिया है कि आपको यहाँ पे डायोड का सर्किट गिवन है, तीन डायोड इस बार कनेक्ट हैं और तीनों सिलिकॉन डायोड हैं D1 D2 D3। आपको क्वेश्चन में बोला है कि V0 की वैल्यू निकालनी है और करंट इन ईच डायोड निकालना है, हर एक डायोड के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है ये आपको निकालना है।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायोड की टेस्टिंग करेंगे और उससे हम चेक करेंगे कि डायोड फॉरवर्ड में है या फिर रिवर्स में। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस 10K के क्रॉस वोल्टेज को अगर आप इग्नोर करो तो यहाँ पे आएगा 8 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट है। तो अगर यहाँ 8 है और आप अगर आप तीनों डायोड को ऑन मानते हो, एज्यूम D1, D2 एंड D3 ये तीनों क्या है, ऑन है। और वैसे भी ऑन भी होंगे, बट एक बार हम बाद में वेरीफाई भी करेंगे कि ये जो हमने अजम्पशन लिया है या जो हमने माना है वो करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो हमने मान लिया तीनों डायोड क्या है, ऑन है। और वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे 20 वोल्ट है और इधर 8 वोल्ट है। तो एनोड का वोल्टेज 20 वोल्ट और कैथोड साइड का वोल्टेज लगभग 8 वोल्ट के इक्वल है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम रफली देखें एनोड का वोल्टेज 20, कैथोड का वोल्टेज 8, तो VA माइनस VK की वैल्यू 12 और ये ग्रेटर देन है सिलिकॉन डायोड के कट इन वोल्टेज से। इसलिए दोनों डायोड को हम क्या मान, तीनों डायोड को हम क्या मान सकते हैं, ऑन मान सकते हैं। या फिर अगर आप D1 को ऑन मानते हो, सपोज आपने D1 को ऑन माना, तो जब D1 को आप ऑन मानोगे तो एक एक को हम बनाते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। अगर हमने D1 को ऑन माना तो ये 0.7 से रिप्लेस होगा, सिलिकॉन डायोड है, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा, ये है 20 वोल्ट। ओके, अब अगर ये 0.7 है बच्चों, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी आप बताओगे कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ 20 है और ये 0.7 है, तो यहाँ पे करीब आएगा 19.3 वोल्ट। यानी कि ये जो डायोड D2 और D3 है ये पैरेलल में कनेक्ट है और यहाँ का वोल्टेज आ गया 19.3 वोल्ट और इधर का वोल्टेज क्या है बच्चों, 8 वोल्ट है। तो अगर हम D2 और D3 के लिए बात करें VA की, तो फॉर D2 एंड D3 VA कितना होगा, 19.3 वोल्ट, VK कितना होगा, 8 वोल्ट। तो अभी भी इस केस में VA माइनस VK की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगी बच्चों 10.7। ओके, तो 10.7 इज ग्रेटर देन 0.7, इसलिए D2 और D3 भी क्या होगा, ऑन होगा। तो जब D2 D3 ऑन होगा तो ये भी अपने कट इन वोल्टेज से रिप्लेस होगा 0.7 वोल्ट और यहां भी 0.7 वोल्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज हो गया 8 हो गया V0। ओके, यहाँ पे वैल्यू है 10 किलो। तो जब हमने D1, D2, D3 को ऑन माना तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा। ओके, अब जरा हम हर टर्मिनल का वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ 20 है, यहाँ 19.3 है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। 19.3 है तो यहाँ भी 19.3 होगा, फिर 0.7 का और ड्रॉप होगा तो यहाँ भी बच्चों वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19.3 माइनस 0.7। अगर यहाँ के वोल्टेज की हम बात करें तो 19.3 माइनस 0.7, भाई 0.7 और ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 18.6 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया, 18.6। ओके, तो अभी भी देखिए यहाँ पे 19.3 है, इधर 18.6 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.7 है। तो ये डायोड क्या है, ऑन है। यहाँ भी 0.7 का डिफरेंस आ रहा है तो ये भी ऑन है। इसका मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो क्या है, करेक्ट है। जो एजम्पशन लिया है वो करेक्ट है, तीनों डायोड क्या है, ऑन है। ओके, अब यहाँ देखिए जो वी नॉट है वो उसी टर्मिनल से कनेक्ट है, तो आप मुझे बताओ वी नॉट की वैल्यू क्या होगी,
जो यहाँ का वोल्टेज आया, यहाँ का वोल्टेज कितना है 18.6, that's why the value of V naught is 18.6 volt. आई बात समझ में? अब जब V naught की वैल्यू 18.6 volt आ गई, तो आप 10 के थ्रू जो करंट की वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। बट ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि करंट इन ईच डायोड, हर डायोड के डायोड में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? बट इस 10 के का करंट हम निकालते हैं क्योंकि ये अभी आगे यूज में आएगा। तो अगर हम बच्चों बात करें डायोड करंट इन 10 के, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। आप देखो 10 के क्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना होगा, वो होगा V naught माइनस 8 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आप कर दो 10 के, तो इस 10 के क्रॉस करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां V naught की वैल्यू आप पुट करो, V naught है 18.6 और ये है 8 डिवाइडेड बाय 10 के और ये आ जाएगा 10.6 मिली एम्पियर। ओके, तो 10 के क्रॉस हमने करंट की वैल्यू निकाल ली 10.6 मिली एम्पियर। बट सवाल में तो हमको डायोड के क्रॉस करंट पूछ रहा है। अब इधर ध्यान दो, ये डायोड D1 है तो इसके करंट की वैल्यू आप ले लो I1, इसमें करंट की वैल्यू आप ले लो I2 क्योंकि ये डायोड D2 था, और इसमें करंट की वैल्यू ले लो आप I3। ध्यान से देखो बच्चों, जो I2 और I3 करंट आ रहा है वो दोनों मिलके इसमें जा रहा है, और इधर से भी देखो जो I1 की वैल्यू है वो I2 प्लस I3 के इक्वल है। इट मींस वी कैन से द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और यही वैल्यू क्या है बच्चों, I10 के इक्वल। ओके भाई, बेसिक सर्किट आपने पढ़ा है तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि डायोड D1 के थ्रू करंट निकालने के लिए हमें 10 के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट और ये करंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो 10 के थ्रू आपने करंट निकाल लिया है, तो D1 डायोड में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.6 मिली एम्पियर। अब D2 और D3 में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों D2 और D3 दोनों देखो आइडेंटिकल डायोड है, दोनों सिलिकॉन का बना हुआ है, दोनों का कनेक्शन भी बिल्कुल सेम है, पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए बच्चों I2 और I3 दोनों ऑन के कंडीशन में है ना, तो I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। भाई इन दोनों डायोड में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे डायोड आइडेंटिकल है और दोनों का कनेक्शन भी क्या है, आइडेंटिकल है। इसलिए बच्चों I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और चूंकि ये दोनों करंट का सम I10K है इसलिए इनकी वैल्यू I10K हाफ होगी। ओके भाई, I2 प्लस I3 की वैल्यू I10K है और I2 I3 इक्वल है, इसलिए I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी, इस करंट की आधी होगी, और ये करंट हम लोगों ने निकाल लिया है 10.6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 5.3 मिली एम्पियर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आई होप आपको समझ में भी आ गया कि कैसे सॉल्व करना है। आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन करने का। ओके चलिए, अगर आपने प्रयास कर लिया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें डायोड की टेस्टिंग करनी है और उसके हमें पता चल जाएगा, उस डायोड के टेस्टिंग के हेल्प से पता चल जाएगा कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स में है।
तो यहाँ देखो बच्चों, अगर हम बात करें सिलिकॉन डायोड की, तो सिलिकॉन डायोड के लिए वी ए की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, और वी के की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप को इग्नोर करें, तो ये 0 वोल्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा 0 वोल्ट होगा, इसलिए यहाँ का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। और ये क्या है बच्चों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कैथोड टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा 0 वोल्ट। अब यहाँ से वी ए माइनस वी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या है इसके कट इन वोल्टेज 0.7 से, इसका मतलब ये जो सिलिकॉन डायोड है वो क्या है ऑन है, इसको हम D1 लिखते हैं और इसको कर देते हैं ऑन, दिस इज D1। जर्मेनियम डायोड की अगर बात की जाए तो इसका जो कैथोड टर्मिनल है वो 10 वोल्ट से कनेक्ट है, आप देखो ना ये एन साइड वाला है, तो एन साइड वाला कौन सा टर्मिनल होता है कैथोड टर्मिनल, और ये एनोड टर्मिनल देखो आप 0 वोल्ट से कनेक्ट है, तो यहाँ बच्चों वी ए की वैल्यू 0 वोल्ट है और वी के की वैल्यू 10 वोल्ट है, और वी ए माइनस वी के की वैल्यू क्या है -10 जो कि 0.7 से कम है, इसलिए डायोड D2 जो कि जर्मेनियम डायोड है ये क्या होगा ऑफ होगा। अब सिलिकॉन डायोड ऑन और जर्मेनियम ऑफ है, और इक्विवेलेंट मॉडल के हेल्प से इस पूरे सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट मॉडल हम बनाएंगे, तो बनेगा इस तरीके से, क्योंकि सिलिकॉन डायोड ऑन है इसलिए 0.7 से रिप्लेस होगा कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल, और जर्मेनियम डायोड ऑफ है इसलिए ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, ये वी नॉट है, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्शन है, और ये है बच्चों 10 वोल्ट। ओके, प्रश्न में पूछ रहा है वी नॉट की वैल्यू, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, पहले तो इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये 1K, और वी नॉट बच्चों इस 1K के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है। ओके, तो चलिए पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट, और इधर हो जाएगा 0.7 का ड्रॉप होगा, आप देखिए इधर मूव करोगे तो 0.7 का ड्रॉप होगा। ओके, तो जब 0.7 का ड्रॉप होगा तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 0.7 9.3 वोल्ट, और यही वोल्टेज यहाँ पे देखो ये चूंकि कनेक्टिंग वायर है तो 9.3 तो यहाँ का जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा 9.3 वोल्ट। यहाँ हमें साफ साफ मिल गया बच्चों वी नॉट की वैल्यू 9.3 वोल्ट, एक आंसर तो हमने निकाल लिया। फिर बोल रहा है करंट इन ईच डायोड, तो आप ये डायोड D1 में करंट की वैल्यू I1 ले लो और D2 में करंट की वैल्यू I2 ले लो, तो यहाँ तो आप एक की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो करंट इन D2 0 क्योंकि ये ओपन सर्किट है, और ये जो I1 है क्योंकि I2 0 हो गया है इसलिए यहाँ का जो करंट होगा बच्चों वो भी क्या होगा I1 होगा, और वही करंट इसमें जाएगा इस 1K रेजिस्टेंस में, यानी कि अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 1K ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना पड़ेगा, और 1K ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको निकालने के लिए आप इसके क्रॉस वोल्टेज जो कि 9.3 है, भाई 9.3 माइनस 0 यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, डिवाइडेड बाई इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ये किलो जाके ऊपर होगा तो मिली बन जाएगा, तो 9.3 मिली एम्पीयर। ओके, तो आई होप आपको ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ा सा आपको सर्किट में चेंजिंग करनी पड़ेगी तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे या टेस्ट कर पाओगे कि डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। ओके,
और यहाँ जो डायोड गिवन है वो है आइडियल। डायोड को आप क्या लेके चलो, आइडियल लेके चलो। ओके, तो एज्यूम डायोड इज आइडियल। और इस क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना है बच्चों आई की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, और आई इस डायोड में करंट की वैल्यू। ओके, चलिए आइए इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, कैसे हम इसका सलूशन करेंगे। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, तो अभी तक आप लोगों ने जो भी डायोड बेस्ड सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व किए वो सब सीरीज में कनेक्ट था, जो भी रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू जो भी गिवन थी वो सब सीरीज में कनेक्ट था। देखो यहाँ पे सीरीज में था, यहाँ भी देखो सब वोल्टेज जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो डायोड के सीरीज में है। पिछले वीडियो में भी जो हम लोगों ने सवाल लगाया उसमें भी सब सीरीज में कनेक्ट था। यहाँ पे देखिए, ये देखिए वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस सब सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सब सीरीज में था, देख रहे हो आप। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स डायोड के क्या है, सीरीज में है, रेजिस्टेंस सीरीज में है। ओके, बट ये जो प्रॉब्लम गिवन है आप देख रहे हो, ये डायोड वोल्टेज सोर्स के ना सीरीज में है ना पैरेलल में, मिक्स्ड है। इधर करंट सोर्स भी दिया है, दो दो सोर्स की वैल्यू दी गई है। तो अब तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए उनमें एक ही सोर्स गिवन था, बट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसमें दो दो सोर्स है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आपका अप्रोच होगा उसको जरा समझते हैं। आप इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करना, यहाँ के पूरे सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना। जैसे मैं इसको कट करके यहाँ अलग करता हूं, ये देखिए मैंने इस सर्किट को कट करके अलग कर दिया, और इधर के भी सर्किट को हमने कट करके अलग कर दिया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये जो सर्किट हमने कट करके अलग किया है और ये वाला जो सर्किट था जो कि इस डायोड के लेफ्ट साइड में है, एक्चुअली हम क्या करेंगे कि इस डायोड के लेफ्ट साइड का जो सर्किट है, इस सर्किट का ये जो मैंने टर्मिनल अभी इंडिकेट किया हुआ है, इस टर्मिनल के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे। और टर्मिनल है हमारा ये, इस टर्मिनल के अक्रॉस हम इस सर्किट का एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ का जो सर्किट हमने अलग किया हुआ है जो कि डायोड का राइट हैंड साइड का सर्किट है, राइट साइड का सर्किट है, इस सर्किट का हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। क्योंकि ये सर्किट ऑलरेडी सिंप्लीफाई सर्किट है, ये आप ध्यान से देखो एक करंट सोर्स है, रियल करंट सोर्स है। तो हम इस रियल करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करेंगे। उसका कारण क्या है बच्चों, क्योंकि डायोड की टेस्टिंग हम डायोड के अक्रॉस जो एनोड का वोल्टेज और कैथोड का वोल्टेज है उसके हेल्प से करते हैं, तो हमें यहाँ के और यहाँ के वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, या हम ऐसा एबिलिटी होनी चाहिए कि हम एनोड और कैथोड का वोल्टेज डिटरमाइन कर सकें। चूंकि यहाँ पे करंट सोर्स दिया है और हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो वोल्टेज को लेके करते हैं, इसलिए हम इस करंट सोर्स को किसमें चेंज करेंगे, वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। तो आप सब बच्चे रियल करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करना सीखा है आप लोगों ने, जब आपने डीसी सर्किट थ्योरी पढ़ा था तो उसमें सिखाया गया था आपको। इस करंट को, करंट सोर्स को आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट अगर करना है तो आपको
सबसे पहले तो वोल्टेज सोर्स आप बनाओ। अब इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी वो डिपेंड करेगी कि करंट का डायरेक्शन क्या है। सब बच्चे जानते हैं सोर्स में करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा बच्चों उसमें यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस वाला पोलैरिटी होगा। ओके, और जो रेजिस्टेंस इस करंट सोर्स के पैरेलल में है उसको आपको इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, बट इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो तो आप सॉल्व करना सीखे हो। सीधे सीधे हम क्या करते हैं, वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 मिली एम्पियर। यहाँ पे एक करेक्शन है बच्चों, ये मिली नहीं है ये एम्पियर है, एम्पियर में लेके आप चलो। ओके, ये है 2 एम्पियर, यहाँ भी आप करेक्शन कर लीजिए, ये 2 एम्पियर है। तो हमने 2 एम्पियर लेके कैलकुलेशन किया तो इस वोल्टेज इस करंट सोर्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स जो आया उसकी वैल्यू आ गई 2 × 1 2 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई 2 वोल्ट। तो इसका तो हमने कर लिया कन्वर्जन, आप देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन हो गया। अब इसका हम कैसे करेंगे, तो याद करो बच्चों आपको एक थ्योरम बताया गया था, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में बताया गया था कि कोई भी सर्किट हो उसको हम सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस सर्किट का हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, मींस इस पूरे सर्किट को हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे इस टर्मिनल के थ्रू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मींस आप ये पूरा सर्किट ऐसे चेंज कर सकते हो, आपने एक वोल्टेज सोर्स लिया और उसके सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल रियल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है हम थेवेनिन थ्योरम की मदद से परफॉर्म करेंगे। तो उसमें बच्चों इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होती थी, VTH के इक्वल होती थी। ये जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो किसके इक्वल होती थी, RTH के इक्वल होती थी। VTH क्या होता था, ये जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू। आप सब बच्चे बताएंगे कि यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, मीन्स VTH की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो देखो बहुत आसान सर्किट है, 4 ओम 4 ओम सीरीज में लगा है, 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज है। तो जो VTH है बच्चों वो 4 ओम के अक्रॉस ही वोल्टेज है, इसलिए VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है। तो ये हो गया 5 वोल्ट, यानी इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 वोल्ट में। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको RTH निकालना पड़ेगा। तो आप याद करो RTH कैसे निकालते थे, तो RTH के लिए आपको सारे सोर्स को डीएक्टिवेट करना होता था। तो अगर वोल्टेज सोर्स दिया होता है तो शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स दिया होता है तो ओपन सर्किट करते हैं, आपको याद होगा। तो चूंकि यहाँ सिर्फ वोल्टेज सोर्स है तो आप इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके और जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपने VTH निकाला है उसी टर्मिनल के अक्रॉस आपको RTH निकालना है। ओके, तो इस RTH की वैल्यू क्या होगी भाई, आप यहाँ पे जहां आपने VTH निकाला है उसी टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सारे सोर्स को डीएक्टिवेट करके। तो हमने सारे सोर्स को, सारे क्या एक ही सोर्स लगा है उसको हमने यहाँ डीएक्टिवेट किया और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो 4 और 4 सीधे सीधे दोनों क्या है पैरेलल में है। तो दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है तो उसका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ओके, तो इन दोनों सर्किट का जो कि डायोड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है उनका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया जो कि वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में है। क्यों वोल्टेज सोर्स के फॉर्म में बनाया, क्योंकि अब तक के जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा होता था और वो डायोड के सीरीज में लगे होते थे। यहाँ सीन अलग है इस प्रॉब्लम में, इसलिए हमने सोर्स कन्वर्जन और इक्विवेलेंट
सोर्स जो कि थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से कर रहे हैं, उसके मदद से हम लोगों ने इस डायोड को, ये जो पूरा सर्किट गिवन है उसको हमने देखिए किस तरह से रिप्लेस किया, जिससे कि जितने भी वोल्टेज सोर्स आएंगे वो सब डायोड के सीरीज में आ जाएंगे। देखिए आप, तो चलिए इन सर्किट को हम इस डायोड से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा सर्किट है बच्चों, यहाँ का जो पूरा सर्किट आ गया वो इस सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पे डायोड, यहाँ हम बना लेते हैं डायोड, और लेफ्ट साइड का सर्किट इस तरीके से चेंज हो गया। इस VTH की वैल्यू या वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है वो RTH है, इसकी वैल्यू 2 ओम आई है, तो यहाँ पे 2 ओम, ये डायोड है ही है, और राइट साइड का सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। इस डायोड के राइट साइड का जो सर्किट है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला इससे रिप्लेस होगा। तो राइट साइड के सर्किट को हम इस सर्किट से रिप्लेस करते हैं, तो 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ओके, ये देख रहे हो आप, ये पूरा सर्किट जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने किस तरह से चेंज किया, और आफ्टर चेंजिंग अब ये जो सर्किट बन गया ये हमारे जो पुराने सवाल थे, पुराने प्रॉब्लम थे, उसके जैसा ये सर्किट पूरा चेंज। अब हम बड़े आराम से इसको टेस्ट कर सकते हैं डायोड को, कि अब ध्यान से देखो, अगर आप वोल्टेज को इग्नोर करो 2 ओम और 1 ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे VA की वैल्यू क्या होगी, 5 वोल्ट, और VK की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 2 वोल्ट, और VA माइनस VK कितना हो जाएगा, 5 - 3, 3 वोल्ट, जो कि 0 वोल्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी यहाँ बच्चों क्या है, डायोड ऑन है। और जब डायोड ऑन होगा तो सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि ये डायोड आइडियल है इसलिए ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये 2 ओम डायोड को आप शॉर्ट कर दो, ये 1 ओम वोल्टेज सोर्स बना दो, ऐसे भी आप वोल्टेज सोर्स की बना सकते हो, 5 वोल्ट, और ये क्या है बच्चों, 2 वोल्ट, और आपसे जो करंट पूछा है वो डायोड के थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू पूछी है, आई की वैल्यू पूछी है। अब इस आई को आप बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो, तो लगाते हैं इस पे पॉइंट मेथड, यहाँ देखो 0, यहाँ भी 0, यहाँ 2 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट। ओके, अब ये जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस में सेम होगा, और जिसकी वैल्यू आई के इक्वल, भाई यही करंट तो इन दोनों में जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, 5 - 2 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 + 1, कितना आ गया आंसर, 5 - 2, 3/3 आंसर आ गया 1 एम्पियर। ओके, तो आपने देखा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे ही प्रोसीड करना है, इक्विवेलेंट सर्किट के हेल्प से आपको सर्किट को सबसे पहले रिप्लेस करना होगा, सर्किट को चेंज करना होगा, और चेंज करने से आपका जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था वो एक इजी सर्किट में चेंज हो जाएगा, जिससे आप डायोड की टेस्टिंग आसानी से कर लोगे, और जब आप टेस्टिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस डायोड को कैसे रिप्लेस करना है। ओके, तो अभी आप इतना ही करो, 2 प्रॉब्लम मैं और कराऊंगा जो कि बिल्कुल अलग हैं इन प्रॉब्लम से, और मैं सिखाऊंगा कि उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी बस इतना ही करिए आप लोग।